नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनू चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज 19 की एक खास रिपोर्ट। भू माफियाओं पर जहां प्रशासन एक और सख्त कार्रवाई कर रहा है, वहीं इन दिनों भू माफियाओं के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के सतना में सामने आया, जहां करोड़ों की जमीन पर कब्जा करने के इरादे से भू माफियाओं ने उत्पात मचा रखा है। बता दें कि पुष्पकर्णी पार्क के पास गत रात करीब 3:30 बजे भागवत गुप्ता नाम का एक शख्स 2 जेसीबी और 2 दर्जन गुंडों के साथ एक फर्जी एसटीएम को लेकर घटना स्थल पहुंचा। सतना में करोड़ों की जमीन पर कब्जा करने के इरादे से भू माफिया ने उत्पात मचा दिया। आपको बता दें, पुष्करणी पार्क के पास रात करीब 3:30 बजे भागवत गुप्ता नाम का शख्स 2 जेसीबी और करीब 2 दर्जन गुंडों को लेकर पहुंचा। साथ ही फर्जी एसडीएम बनकर पहुंचे विनोद शर्मा ने अतिक्रमण बताकर लोगों के आधा दर्जन कच्चे पक्के मकान जेसीबी से तोड़वा दिए, साथ ही बिजली भी काट दी। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। जब वह स्वयं पुलिस और प्रशासन के अफसर पहुंचे तो पूरा मामला सामने आया। इसके बाद गुस्साए लोगों ने फर्जी एसडीएम की जमीन पर पटक कर जमकर पिटाई की। उसके बाद पुलिस ने खुद को एसडीएम बताने वाले मास्टरमाइंड विनोद शर्मा सहित अन्य 15 लोगों को हिरासत में लिया। रघुराज नगर एसडीएम सुरेश यादव का कहना है कि इस मामले में कलेक्टर कोर्ट से पैलेस बंद करने का आदेश लिया गया था, लेकिन तोड़ फोड़ करने, खाली करने और कब्जा लेने की बात नहीं थी। इसके साथ ही प्रभात तिवारी ने बताया कि मेरे स्वर्गीय पिता बालकृष्ण चतुर्वेदी के नाम की जमीन को भागवत गुप्ता ने मेरे भाई धनंजय चतुर्वेदी को बरगला कर अपने नाम लिखवा लिया और मेरा नाम भी गायब करवा दिया। मुझे जानकारी मिलते ही अखबार में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करवा कर कानूनी कार्रवाई शुरू की। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसके ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल न्यूज 19 से।